तो सबसे पहले आप अपना नाम और कौन सा ब्रांच था और कौन सा कॉलेज मिला है वो बता दीजिए। मेरा नाम सर सोनू कुमार हुआ, मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग मुंगेर मिला है। अच्छा, डिप्लोमा कहाँ से किए थे? बांका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। जीपी बांका से। ओके, यस। सेमेस्टर में आपका स्कोरिंग क्या रहा है? सिविल ब्रांच रहा है तो स्कोरिंग ओवरऑल सर, ओवरऑल सर मिला के 79 पॉइंट अप्रोक्स गया है समथिंग। डिप्लोमा कब पास आउट हुए हैं? 2021 में सर। उसके बाद सर एली का दिए थे सर उस प्रीवियस सेशन में, बट मेरा रैंक था 9000 प्लस था, तो मतलब 900 प्लस था। उसके बाद मेरा उम्मीद था कि हो जाएगा, जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड का एनालिसिस किए थे ना सर, तो लग रहा था कि मिल जाएगा ब्रांच, लेकिन अनहैप्पी रह गया, अपसेट हो गया थोड़ा सा, नहीं मिला। बहुत वेट के लास्ट तक ऑफलाइन तक जो हुआ सर, नहीं मिला। मेरा बैचमेट सब कुछ था, वो लोग को मिला, मतलब वो लोग किए, फिर वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद मेरा सेकंड ट्रायल था ये दिल्ली में। ओके, तो यानी एक साल आप ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे दिए, राइट? जी सर, मतलब ट्रायल तो उस बार भी किए थे सर, बट रैंक जो था 900 था, तो उस बार उम्मीद था कि मिल जाएगा, बट नहीं मिला रैंक सिविल ब्रांच में। उस बार थोड़ा सा हो गया कि अभी कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका है, तो जिस हर समय स्टूडेंट सेमेस्टर चाहता है आपका कि मुझे था सिविल में। 21 में, जब आपका सेमेस्टर एग्जाम था, उस समय जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या डिफिकल्टीज फेस किए थे? सर डिफिकल्टीज तो उस टाइम सर मुझे उससे पहले सर जो इंग्लिश के बारे में था, पूरा सिलेबस के बारे में कुछ आइडिया नहीं चल रहा था, क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था सिलेबस क्या है। अच्छा, उसके बाद सर आपका यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे क्या सिलेबस है कैसे है, उसके बाद आपसे उस वहाँ से इंग्लिश का तैयारी करना चाहिए। उससे मतलब प्रीवियस जो मेरा सीनियर सर था वो लोग बता रहे थे क्या इंग्लिश अगर पास कर जाओगे तो थोड़ा सा मतलब मेहनत करोगे तो रैंक मिल जाएगा, इस उम्मीद के साथ थोड़ा एक उम्मीद जगह अंदर से। उसके बाद आपका इंग्लिश का क्लास किए कुछ दिन, उसके बाद थोड़ा सा फिर बुक को पढ़े, आपका पीडीएफ आया, उससे इंग्लिश को क्विज विज किए, ऑफलाइन क्विज किए, ग्रुप में सब मिलाते हुए इंग्लिश को बूस्ट किए। उसके बाद मैथ करने के लिए गए, प्लस टू किए थे मैथ पर हम सर, 2017 में प्लस टू किए थे साइंस से। उसके बाद उस सिलेबस को आपका लेक्चर देखे सेशन, तो उससे लगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन जिससे हुआ, डिटरमिनेंट का हुआ, टॉपिक ये सब क्वेश्चन मेरा मतलब प्रीवियस से उससे देखे, जहाँ जहाँ थोड़ा डाउट होते गया थोड़ा हेल्प लेते हुए पढ़ते गए। मैकेनिक्स को मैंने ध्यान नहीं दिया उस बार, मतलब सीनियर साहब जो बोले थे ना कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा, तो एक उम्मीद के साथ उसी तरह कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया लास्ट में एग्जाम दे रैंक आया, तो उस बार रैंक अकॉर्डिंग जो भी फिर भी लगा कि उम्मीद की सीनियर साहब बताया कि मिल जाएगा, लेकिन आई लास्ट तक उम्मीद नहीं मिला, तो फिर वहां से ड्रॉप हो गया एक साल मेरा। जो और सब सीनियर सब थे वो लोग भी उस साल ट्रायल किए थे, वो लोग का भी हुआ, वो सबका भी नहीं हुआ उसी तरह से, क्योंकि उस लोग का स्ट्रेटेजी वही था कि प्रीवियस एग्जाम इंग्लिश क्वालिफाई करो, मैथ में थोड़ा सा बना मतलब सिलेक्ट कर जाओगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। आने वाले 1-2 साल से जो रिजल्ट दिखा देखा जा रहा है उसमें वैसा कुछ नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एग्जाम में। अब इंग्लिश नहीं रहा गया है, अब मैथ्स और मैकेनिक्स पे भी आपको फोकस अच्छा खासा करना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था ना, जी सर, ये 2019 से पहले ऑफलाइन क्लासेस चलता था, तो लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं था कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि जो ऑफलाइन ज्वाइन किया उसी को पता चला कि हाँ पास होना है, लेकिन जो ज्वाइन नहीं किया उसको उतना आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन जैसे ही 2020 में कोविड आया, उसके कारण से कई सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ गए हैं, तो हर किसी को पता चल गया है कि इंग्लिश यस पास सर, होना जरूरी है, और भी सब्जेक्ट्स है जिसको पढ़ना है, तो अवेयरनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है हाई होगा। तो आप हमें ये बताइए कि बस मैथ्स जो है उसमें सबसे ज्यादा आप किस टॉपिक पे फोकस किए थे? जैसा कि अभी आपने बताया कि मैट्रिक्स दिए थे, सर देखिए सर, अलावा मेरा सर पहला बार जो एग्जाम दिए उस टाइम सॉलिड ज्योमेट्री जो था क्वेश्चन उसको किए थे, उसके बाद मैट्रिक्स को किए थे, डिटरमिनेंट को किए थे, वेक्टर को किए थे। मतलब कुछ जो सीनियर जो मुझे स्ट्रेटेजी बताया था, कुछ क्वेश्चन को ट्रायल करते जाओगे तो मेरा हमेशा एग्जाम देते हुए जितना भी आ रहे हैं अभी तक एक्सपीरियंस, हमेशा मेरा एग्जाम में एक ही स्टेज रहता है, क्वेश्चन को छोड़ना कितना है, कितना क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ बनाना है। तो कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए सबसे मेन बात है क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि 100 का 100 लगा दिए एक्यूरेसी सही नहीं आया फिर रिजल्ट बेकार हो जाता है। तो
जो पूछे मेरा सीनियर बताया उस एक्यूरेसीज में आया था, और उसका वेक्टर मेट्री डिटरमिनेंट सॉलिड ज्योमेट्री ये सब चीज को मैंने तैयार करके गया था यहाँ से, लेकिन उस तरह से बनाए थे। उसके उसके बाद वहाँ जाने के बाद मेरा माइंड सेटअप थोड़ा सा वहाँ होता है सर, अपने आप को सर संतुष्टि सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी, इतना कम क्वेश्चन बना रहे हैं क्या होगा, थोड़ा सा क्या किया मैं, अब हीट एंड ट्रायल कर ली, और हीट एंड ट्रायल करने के बाद मेरा रिजल्ट जब आया ना उससे पता चल गया कि नहीं ऐसा करना मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए इस बार का जो स्ट्रेटेजी किए थे सेकंड टाइम जब आया मेरा उम्मीद नहीं था करने, क्योंकि मेरा जो बैचमेट जो था वो सब बीटेक करने चल गया, तो मुझे लगा अब एक साल में क्या करूंगा बैठ के यहाँ, तो मैं वहाँ से पटना घर से अपने बांका डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांका आए थे, वहाँ से हम पटना आ गए और यहाँ आके अपना SSC JEE का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। जब तैयारी कर रहे थे लास्ट टाइम जब फॉर्म जब आने लगा सर मेरा, मतलब एक बार जो एग्जाम दिया सर अंदर से लग गया कि अब नहीं छोड़ो टाइम ये होता है थोड़ा सा अंदर से लग गया नहीं होगा, फिर मैं जो बैचमेट लोग कर रहा था वो लोग थोड़ा सा मुझे समझाया, थोड़ा सा हमने अंदर से मतलब मोटिवेट हुए, फिर खुद से रियलाइज किया बोले एक ट्रायल से क्या होगा, चलो एक बार फिर से ट्रायल लेते हैं, और इस बार करने के लिए फिर उस एक्सपीरियंस का मतलब लेते हुए अगले बार फिर से सोचे हुआ कि कितना क्वेश्चन को छोड़ा जाए इस बार, और एनालिसिस के कितना क्वेश्चन अच्छा, एक जो रैंकर सब था उसका इंटरव्यू सब देखे उससे पता चला कितना क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट किया कितना अच्छा रैंक आया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का मेरा टारगेट था कि 30 से 35 क्वेश्चन अप्रोक्स इस बार सही करके आना है वहां से। उसके उस टॉपिक को देखते हुए जैसे भी तैयारी हो उतना करना जाए जैसे हो मेरे से इस बार, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इतना ज्यादा रहता है सर, एक हाई लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पहले बिल्कुल, जो कि 10th और 12th के लेवल से थोड़ा सा अप रहता है एग्जाम, कहने का सिर्फ है कि वो एली का एग्जाम है। हाँ ये एली, इसलिए वहाँ टाइम जो सर इक्विवेलेंट रहता है ना, क्योंकि सिलेबस आप देखिएगा तो गेट का सिलेबस और लैटरल एंट्री का सिलेबस दोनों सेम रहता है। जी सर वही तो बोले सर 10th और 12th जो करके आता है उसके लेवल से अप रहता है एग्जाम, और लड़के को लगता है क्या कि मतलब इजी रहता है, कहने का सिर्फ एलिए लेकिन एग्जाम का लेवल बहुत टफ रहता है, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस लेते हुए सोचे कितना क्वेश्चन को इस बार छोड़ना है, किसको लेके पकड़ के जाना है, कितना मतलब 35 के अप्रोक्स क्वेश्चन इस बार उनको सही करना है, मेरा ये मोटो था इस बार, उसको रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए, कुछ आपका हेल्प लिए, कुछ डायमंड सर का हेल्प था, मतलब मेरा जो था पेड कोर्स नहीं लिए थे, खुद का 12th किया हुआ था, मुझे इतना खुद पे भरोसा था कि मैं मैथ कर लूंगा इस बार फिर से, तो थोड़ा आपका हेल्प लिए, थोड़ा सा उससे लिए, थोड़ा सा जो गजेंद्र पुरोहित है यूट्यूब पे सर, बिल्कुल बिल्कुल, गेट और जयपाल विश्वकर्मा सर, मतलब जी सर और जयपाल विश्वकर्मा सर जो है आपका वो मतलब चारों टीचर का मतलब लेके मेरा अप्रोक्स तक 35 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है एनी हाउ, और इसके लिए जो टीचर से जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है होता है ना सर कुछ कुछ टॉपिक में इधर उधर, मतलब जिससे समझ में इतना टारगेट रखे थे इस बार करना है, चारों टीचर का मैंने हेल्प लिया, मैथ का तैयारी किया, और एग्जाम में इतना क्वेश्चन रहता है सर 100 क्वेश्चन को उतना सफिशियंट टाइम में बनाना पॉसिबल नहीं है सर, उसमें बच्चा करता क्या है लगभग थोड़ा जो बना बना और हीट एंड ट्रायल में ले लिया, उससे होता क्या है किसी का लक सही हुआ क्वेश्चन सही भी हो सकता है, किसी का लक सही हुआ गलत भी हो सकता है, उससे रैंक में बहुत डिफरेंस होने का चांस रहता है, इसलिए मेरा यहाँ जाने के साथ मेरा मोटो ही था कि मिनिमम क्वेश्चन को सही करें, एक एवरेज सही करेंगे, एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे, इसको देखते हुए प्रीवियस एनालिसिस करते हुए 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट ले चले थे रूल से इतना सॉल्व करके आना है, बट वहाँ जब गए सर सॉल्व किए तो मेरा 27 के प्रोक्स करते करते मेरा टाइम ओवर हो रहा था, तो फिर भी संतुष्ट थे कि इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ सॉल्व किए और कुछ कुछ थोड़ा सा 10-15-20 क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल फिर भी ले लिए तब, क्योंकि अटेम्प्ट था 30 से 35 करना है, तो मेरा 27 के प्रोक्स जा रहा था, लगा चलो 10-15 ले लेते हैं कुछ हो जाए तो हो जाए नहीं तो इतना तो है मेरा, इसको लेते हुए इस बार एग्जाम दिए थे, मैं मतलब आने वाले जूनियर से मेरा यही रहेगा कहना कि एवरेज क्वेश्चन को टारगेट करना है तैयारी करने के लिए, उस टॉपिक पे फोकस करना है, ना कि होल सिलेबस रेडी करना है, होल सिलेबस रेडी करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है ना वो सॉल्व कर पाएगा, मेरा जूनियर से आने वाले जूनियर से यही रहेगा कि मिनिमम टॉपिक को कंटेंट को कलेक्ट करो और उसको जितना ज्यादा हो एक ही क्वेश्चन को बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि उसका जो प्रोसेस उसको सेटअप करना है किस प्रोसेस से बनना है ताकि वहाँ जाके डेटा वेरीफाई भी हो जाए तो चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे सॉल्व हो जाए। या बिल्कुल, मैंने भी कई बार वीडियोस में यही चीज बोला है कि पूरी सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, बस जरूरी यह है कि आप जो पढ़ रहे हो अगर दो टॉपिक ही आपको आ रहा है
बस वो दो टॉपिक को इतना पढ़ जाओ कि उससे किसी तरीके का क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, राइट? जी सर, यही तो मैं इस बार भी सर उसे ही हुआ, मैथ पढ़े, मैथ अच्छा खासा तैयारी की, उसके बाद जब आए मैकेनिक्स पे कि चलो मैकेनिक्स कैसे करूंगा, तैयारी कर रहा था एसएससी जेई का, तो फ्रिक्शन यूनिट यहाँ पढ़े हुए थे, सेमेस्टर भी पढ़े थे, तो उसको सॉल्व करना इजी लगा, वहां से स्टार्ट किए, जो जो टॉपिक मुझे लगता था कर सकते उसी को टाइम लिए, मतलब ज्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं की, टाइम वेस्ट करो ट्राई करो इसको समझो, वैसा कुछ नहीं किया इस बार, थोड़ा सा फ्रिक्शन सब कुछ टारगेट किया, मेरा मात्र 25 डे का प्रिपरेशन था, मात्र 25 डे पढ़े थे इस बार, ओके, 25 डे में अपना रैंक को इस बार अचीव करके कॉलेज ले ली, दैट्स वेरी ग्रेट प्लानिंग, क्योंकि 25 डेज एक स्ट्रेटजी है, तभी तो आपका रैंक आया। जी सर, मेरा पहला होने वाले जूनियर को यही कहना होगा, पहले क्वेश्चन को टॉपिक को कंटेंट को कलेक्ट करना है, किसको पढ़ना है, उसके बाद 30 से 40 के बीच क्वेश्चन को टारगेट करना है, इतना क्वेश्चन को बनना है, उसके बाद सिलेबस देखना है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से कितना कंटेंट को हमको कलेक्ट करना है, रेडी करना है, जिससे मेरा 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चन बन जाए, उसको पहले फिक्स कर देना है, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ना है, चाहे वो पेड कोर्स से पढ़े या यूट्यूब से पढ़े, अनपेड जैसे पढ़ना है उसको, जैसे अवेलेबल हो उस तरह करके उस 40 क्वेश्चन को इस तरह से रिविजन करना, एक ही दो क्वेश्चन करके उसका प्रोसेस याद हो जाना चाहिए, डाटा वेरी कर जाए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नहीं हो कि वहां जाने के बाद अब डर गए क्वेश्चन देख के क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा प्रोसेस से तैयारी करना है। तो आप अपने बहुत बड़ी बात होता है, रिकमेंड करिएगा कि पेड क्लास लेना चाहिए, किसको पेड क्लास नहीं लेना चाहिए। सर वो देखिए सर, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस किसको कितना है, पेड क्लास से पढ़ सकता हो या अनपेड क्लास से पढ़ सकता हो, मेरा मानना ये रहेगा जो कि लड़का जो जिसको अपने खुद पे बिलीव है ये थोड़ा अच्छा और बेस्ट बूस्ट करना है रिजल्ट को, उसको हम पेड क्लास जरूर बोलूंगा, पेड क्लास लो और उससे हेल्प करो, तैयारी करो, उससे तैयारी करने के बाद अगर कुछ टॉपिक लगता है कि नहीं मुझे इधर उधर से और बेहतर कंटेंट ट्रिक के साथ आ रहा है, क्योंकि ये एग्जाम ट्रिकली एग्जाम है सर, बिल्कुल, अगर पेड कोर्स में आने के बाद लगता है कि सर 10 टॉपिक पढ़े सर से 8 टॉपिक ट्रिक सही लगा, 2 टॉपिक का ट्रिक मुझे समझ में नहीं आया, कोई और कंटेंट है कहीं यूट्यूब पे देख रहे अच्छा कंटेंट है उसको अचीव कर, मतलब इस तरह से करना है पेड कोर्स लेने के बाद, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेरा वो, बिल्कुल मोटिव ये होना चाहिए कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और एग्जाम सेंटर जाने के बाद अपने आप को मतलब डर नहीं करना कि कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बस खुद पे बिलीव रखना कि इतना क्वेश्चन तैयारी करके इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे, उस टॉपिक से डरना नहीं कि इस टॉपिक का वेक्टर का क्वेश्चन पढ़े तब डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए क्रॉस प्रोडक्ट आ गया नहीं बना पाए, ऐसा नहीं करना है, जो भी पढ़ के आए वेक्टर पढ़े पूरा वेक्टर पढ़ के जाएंगे, उसका कोई भी टॉपिक आएगा उसको सॉल्व करना है। आप जो और आपका सर जैसे आपका जो पेड कोर्स का जो कुछ कुछ देखे मैं तो पेड कोर्स लिया नहीं था लेकिन जो जो पेड कोर्स लिया था देखते थे और जो पढ़ता था आपका समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा लगा था, इंग्लिश खास करके मुझे बहुत हेल्प किया था। ओके तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो जो टॉपिक पढ़े थे चाहे मैट्रिक्स हो गया या सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, आपको एग्जाम में एनालाइज तो हुआ होगा कि अप्रोक्सीमेटली हर एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में? जी सर, सॉलिड ज्योमेट्री से मिनिमम से 5 से 7 क्वेश्चन के अप्रोक्स था सर। अच्छा, और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था सर क्या सर और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था उन सभी टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया अप्रोक्सीमेटली? जैसे सर वेक्टर पढ़े थे 2 से 3 क्वेश्चन वेक्टर से आ गया था सर। ओके उसके मैट्रिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिला के मतलब उसे निकालने के लिए जो दिया गया था सॉल्व करने के लिए। उसके बाद सर इसको पढ़े थे वेक्टर पढ़ने के बाद वहां से वेक्टर पढ़े सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, और उसके बाद उसमें मैकेनिक्स का भी जैसे फ्रिक्शन में गए थे 2 क्वेश्चन फ्रिक्शन से भी था, इस तरह से मतलब सब टॉपिक से सर कुछ कुछ मतलब एवरेज क्वेश्चन था। ओके, एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आपको मिला ना? जी सर। ओके, तो 25 दिन का आपका स्ट्रेटजी रहा है और वो भी बिना किसी का पेड क्लास लिए हुए फ्री में, दैट्स वेरी फाइन। और आप एक बार अपना रैंक लोगों को बता दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बिना पेड क्लास के भी अच्छा रैंक लाया जा सकता है।
पेड उसमें सर बोले ना सर, मैं एसएससी जेई का तैयारी कर रहा था, और वो भी पेड कोर्स लेके ऑफलाइन में पटना में सर। तो मेरा सुबह 6 बजे से सर 12 बजे तक क्लास हो जाता था सर। वहां से आना, रूम में खाना पीना खाना, उसके बाद मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ सर। उसके बाद मतलब 5 बजे अप्रोक्स शाम के बाद मैं फ्री होता हूँ। उसके बाद से कोचिंग का तैयारी, एली का तैयारी कर रहे थे, तो मतलब ओवरलोड वर्कलोड ज्यादा था मेरे पास। उसी 25 दिन के अंदर में एली का तैयारी किए, उस चीज को भी कंटिन्यू रखते हुए अप्रोक्स 3 से 4 आवर पर डे पढ़े थे 25 दिन तक। मतलब उसमें फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं, पर डे रेगुलर टाइम था, 3 से 4 घंटा देना है तो देना है एली। अभी तो जो है टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी लगभग 4 से 5 महीना तो अभी उनको आराम से मिलेगा, तो इस बीच में जी सर, उसके लिए कितना देर पढ़ना चाहिए उनको जो फ्री में पढ़ना अभी सर है? मिनिमम सर, अगर वो उसको सर अच्छा से अच्छा रैंक लाना है तो मिनिमम अभी से भी बोलेंगे, जितने जो बच्चे का तैयारी होता है जो स्टार्टिंग से ही रहता है, जो जो धीरे धीरे टाइम गुजरता है उसका लेवल थोड़ा सा स्लो हो जाता है, करने का एक जुनून अंदर का कम जाता है तैयारी करने का। फिर जब एग्जाम टाइम आता है उसको प्रेशर हो जाता है, ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े अब क्या करें, वो थोड़ा सा उसको प्रेशर हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मिनिमम 3 से 4 घंटा अभी से वो ट्रायल करना, पर डे करना स्टार्ट कर दे पर डे, और संडे सैटरडे का अपना स्ट्रेटेजी बना ले कि प्रीवियस ईयर जो पढ़े उसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेरा रिविजन वेग नहीं है जो भूल गए उसको देखना है, उस तरह करते रहेगा तो अभी से तो मान लेगा बहुत अच्छा रैंक लाएगा वो लड़का सब। ओके, और जो अभी सेमेस्टर में है उसके लिए क्या कहना चाहते हो उसको कैसे? सेमेस्टर वाले के लिए सर देखिए सर, मेरा सर उस टाइम सेमेस्टर था सर, सेमेस्टर पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा फोकस करने के लिए दिए उस बार, जो इस बार से ज्यादा टाइम दिए थे उस बार, लेकिन मेरा जो होता है सर एक तैयारी करने के लिए सही डायरेक्शन का होना जरूरत होता है सर, उस बार मेरा डायरेक्शन सही नहीं था, तैयारी तो कर रहे थे इससे ज्यादा मेहनत था, एफर्ट ज्यादा था उस बार, लेकिन सर एक किस वेल प्लानिंग से करना वो मेरा नहीं था, जिसके कारण मेरा सेमेस्टर खराब हो गया था थोड़ा सा। जैसे मेरा ओवरऑल मार्क्स 80% पार कर जाता डिप्लोमा में सर, 79 पे आके अटक गए थे, इसलिए आने वाले जो मेरा सेमेस्टर वाले बैचमेट फ्रेशर है उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि तुम पेड कोर्स पहले ले लो, एक जो सही डायरेक्शन मिले जहाँ से पढ़ने का, क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज को छोड़ना है, एक डायरेक्शन होता है ना सर, किसी का मोटिवेशन भी बहुत बड़ी चीज एक बार काम करता है। बिल्कुल, तो पर डे जो टीचर के अटैचमेंट में रहता है, पर डे उनके 2 बातें सुनता है मोटिवेट रहता है, एक अंदर से पढ़ने का एक अलग जुनून रहता है सर, नहीं तो क्या होता है आलस हो जाता है, चलो कल करेंगे इस तरह से हो जाता है सर, मतलब बहुत छूट जाता है, बाद में बर्डन रहता है तो ध्यान नहीं दे पता क्या करे अब क्या ना करे, इसलिए मेरा रहेगा उस लोगों से वो पेड कोर्स ले और पर डे का क्लास करे, उसका एक रेगुलर मेंटेन हो जाएगा, पर डे सर क्लास ले रहे हैं उसको ज्वाइन करना है, 1 ही घंटा ले रहे हैं 2 ही घंटा ले रहे हैं, तो उसको पर डे करते हैं उसका रेगुलरिटी बन जाएगा सर, धीरे धीरे उसका सिलेबस ओवर हो जाएगा, प्लस साथ उसका सेमेस्टर तो चल ही रहा है सर। उसके बाद मेरा मानना है सर, जैसे मैट्रिक्स हो गया, सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया मैथ में, और लाइन ऑफ इंटीग्रल हो गया, डिग्री हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, गामा बीटा फंक्शन हो गया, रेडियस ऑफ अंडर कर्व सब, मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, इसको अगर वो अच्छे से कवर कर ले तो बहुत अच्छा रैंक ला लेगा वो। ओके, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ना है उसको ओवर कॉन्फिडेंस करना है खुद कि उससे गलत ना हो सिर्फ। तो आप बोल रहे हैं कि बस पेड क्लासेस में जितना देर पढ़ाया जाए वो पढ़ने के बाद उसका बस रिवीजन करना है, उससे ज्यादा आपको वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी से ओवरलोड लेने कोई जरूरत नहीं, बस इंग्लिश को ध्यान देना जो पेड क्लास में चल रहा है सर, तो मतलब आने वाले सर पर डे पर ईयर जो एग्जाम उससे सर भी कुछ पढ़ते हैं, जितने भी टीचर वो कुछ पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, अगले सेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं हर टीचर कोई भी रहे, तो जैसे आप ही पढ़ाए सर, हम लोग को पढ़ाए कुछ अलग क्वेश्चन बाद आप उस क्वेश्चन को ऐड कीजिए, अगले आने वाले फ्रेशर को उसको उस क्वेश्चन को ऐड करके और समझाइएगा, तो वो कम से कम टीचर कर ही लेते हैं क्या चीज पूछ रहा है, क्या चीज छोड़ रहा है, क्या सर और आने वाले सिलेबस में ऐड हो रहा है, बच्चे को बस प्रेजेंट पेशेंस के साथ सिर्फ क्लास को अटेम्प्ट करना है पर डे टाइम के साथ, उसके बाद उसको रिविजन करना है, लास्ट टाइम आते आते वो जितना उस क्वेश्चन को रिविजन कर सकता है बस यही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, 10 क्वेश्चन कराया गया उसी को 10 को 100 बार बना लेना चाहिए, लेकिन ना कि 100 क्वेश्चन को एक बार बनाए। Okay. ये तो चलिए ठीक है, जो सेमेस्टर में है उनको जो है पेड क्लास लेना चाहिए, तो ये पहला सजेशन हुआ। दूसरा उन लोगों के लिए बताइए जो पेड क्लास नहीं लेना चाहते, बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं पैसा कि एट ए टाइम हम उतना। देखिए सर,
जो सर देखिए सर, जिसको पेड क्लास लेने में सर कोई महंगा काम नहीं है, बहुत सस्ता में अभी एली का तैयारी इतना सस्ता करा रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है सर। 500 हज़ार रुपया में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नहीं, बहुत सारे अगर वैसे जिसको भी उतना स्टूडेंट भी होते हैं ना सफिशियंट जिनको नहीं एफर्ट हो पाता है, तो उन लोगों को फ्री में जो है कैसे कंटेंट को करना चाहिए, प्लस सेमेस्टर पे भी फोकस करना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते सर, देखिए सर उसके लिए तो सर बहुत सारा कंटेंट आप लोग का सर यूट्यूब पे रखा हुआ है, एमआरएस स्टडी के नाम से हैं? यूट्यूब पे रखा हुआ है। उस टॉपिक को कवर करें, उसका सिलेबस को देखें थोड़ा। उसके लिए क्या होता है सर, थोड़ा सा आप खुद पे मतलब रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होना पड़ता है उसको कि बिल्कुल किस टॉपिक को पढ़ना है, कब से पढ़ना है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ है, उसको खुद के ऊपर करना है सर। इसके लिए वो सर आप लोग का वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ है, एमआरएस स्टडी के नाम से रखा हुआ है, वो सब वीडियो को कुछ हेल्प ले वहां से, कुछ खुद से करे तब, और कुछ बुक में जो है क्वेश्चन कराने का कोशिश करते, बस उसको पहले पहला नंबर के उसको कंटेंट को रेडी करना, पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, उस चीज को पहले नोट करके रखे, उसके बाद से वो देखे कौन सा पेपर हमारे अपने खुद से सॉल्व हो रहा है, या तो सर का वीडियो देखते यूट्यूब पे किसी का है उसको देख के मतलब ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व होना है, और क्या। उसके लिए तो सर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी जैसे पेड क्लास नहीं लिया तो मेरा उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका था, क्या करना है मुझे अभी। और क्या एक हमें होता है सर पढ़ना पेड है? क्लास लेने के बाद एक टीच जी सर, पेड क्लास लेने के बाद क्या होता है सर, उसको टीचर जो है ना सर उसका लेवल को थोड़ा सा कम कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका कम करता है, चलो भाई तुम्हारा ये चीज पढ़ना है, ऐसे ऐसे उसको डेली मोटिवेट करते रहता है। और जो पेड क्लास नहीं लिया तो उसको हर चीज खुद से करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है उसको, खुद से सब उसको देखना है। यानी सेल्फ मोटिवेट उसको रहना पड़ेगा ऑलवेज, एनी टाइम सर या कौन एनी सा टाइम। टॉपिक, इसलिए वो तभी रह सकता, वो तभी रह सकता है सर कि जब तक उसको कंटेंट को हमेशा लिख के एक साइड में रखना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि जब तक उसको कंटेंट एक मतलब होता है एक डायरेक्शन का एक साथ टारगेट पॉइंट नहीं पता रहेगा, तो हम चल रहे कहाँ चल रहे पता नहीं चलेगा उसको, इसलिए बिल्कुल उसको उससे पहले उस पर एक कंटेंट रेडी करके रखना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स पढ़े, मैट्रिक्स खुद से जो 12th किया या 10th किया सेमेस्टर में पढ़ा है, कर रहे हैं तैयारी, अब लगता है इसमें अब यूनिट वेक्टर निकालना है, ये करना है, तो मतलब प्रॉब्लम है, नहीं चल निकल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है आप लोग का, उसको निकाल के देखे सॉल्व करें, वो टॉपिक कवर हो गया, आप दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको पढ़ना है, तो उसको उठो फिर टॉपिक यूनिट के धीरे धीरे क्या होगा उसका कवर होते जाएगा, पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा सर। इंग्लिश में मतलब आप कितना सबसे क्वेश्चन पहले रखे मेरा हैं? यही रहेगा उसको, इसमें सर इंग्लिश में टोटल कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया था? मेरा सर इंग्लिश का तैयारी से देखिए आप लोग का तैयारी की आप लोग की मेहनत से सर मेरा बहुत अच्छा तैयारी था, बहुत कॉन्फिडेंस था इंग्लिश में कि अगर 15 भी बना गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कट नहीं सकता, एक्यूरेसी इतना हाई था इंग्लिश का सर, तो फिर भी मैं 22 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया था वहां से। पिछला सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक बार पे भी आप फोकस किए थे इंग्लिश पे? सर टॉपिक पे सर देखिए सर इस बार भी जैसे आने वाले प्रीवियस सेशन को देखते हुए बच्चा क्या करता है सिमली एडजेक्टिव मिसलेनियस इस सब पे फोकस करते आता है, इस बार सर उसी तरह से हम लोग भी किए थे, बट थोड़ा सा क्या किए थे सर वर्ड स्पेलिंग टेस्ट हो गया सर, थोड़ा सा टेंस सर एक्स्ट्रा देख लिए थे उस सबको सर, उसके बाद सेलोनिम सब जो आता है वो सब सिलेबल सब जो आने लगा, अब सिलेबल बहुत ज्यादा ऐड हो गया, प्रीवियस ईयर में सिलेबल कम आता था सर, अभी हाँ, सिलेबल में 2019 के बहुत ज्यादा बाद सिलेबल ही पूछ रहा है, पूछे जाने लगा है, 20-21 में ही पूछे सिलेबल जाने लगा। ज्यादा जी सर, तो सिलेबल वो सब तैयारी किए थे सर, एडजेक्टिव सिमली इस सब का तैयारी किए थे, मिसलेनियस मतलब स्टूडेंट को ये सब तो बेस ही है, सिमली हुआ एडजेक्टिव हुआ मिसलेनियस और स्पेलिंग टेस्ट, ये चार चीज उसका बहुत ही बेस चीज है, इस चार चीज को उसको एनी हाउ कंप्लीट रखना है, जिसको इंग्लिश क्वालिफाई करना है एग्जाम क्लियर करना है, अच्छा, अगर ये चार चीज होता है तो 9 क्वेश्चन मारना 50 में कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसके बाद वह सिलेबल हो गया उधर टेंस का क्वेश्चन आने लगा, इस सब चीज को वो देख सकता है उधर, यानी मिनिमम 4 टॉपिक उसके पता बाद होना चाहिए कि ये वो जो आपने बताया वो, उसके अलावा अगर टॉपिक है तो वो हाँ पढ़े थोड़ा बहुत। हाँ चार के साथ एक वन वर्ड को भी जोड़ सकते हैं सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और वह स्पेलिंग टेस्ट हो गया, मिसलेनियस हो गया, सिमली हो गया, ये 5 टॉपिक तो उसको जैसे भी हो
रट के घोर के पीना है, जैसे पी लेना है एकदम, उसमें okay. कोई कमी नहीं चलना चाहिए। राइट चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी कीमती टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़े, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देखेंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर, मैं तो लास्ट में इतना बोलूंगा, जिसको अवेलेबल है पेड कोर्स लेने का सफिशियंट घर से है एफर्ट कर पा रहे, वो पेड कोर्स ले तैयारी करे और उसके बाद सर से हेल्प ले, जहाँ नहीं हो रहा है मतलब जैसे भी हो कंटेंट के साथ वेल प्लानिंग के साथ सर्टेन टॉपिक पे फोकस करे और तैयारी करे। जिसको होता है सर वो भी नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी घबराने का कंटेंट रखे रेडी, कितना पढ़ना है सर्टेन टॉपिक, बहुत सारा आप लोग का वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देख के तैयारी कर सकता है, कोई उसमें घबराने का बात नहीं उसके लिए। बिल्कुल, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।